Well, this video is all about how I made this cool looking effect in After Effects. Well, ये effect देखने में भी बहुत ज्यादा premium लगता है और बनाने में भी बहुत ज्यादा easy है। तो इसको बनाने के लिए तुम लोग को After Effects चाहिए। Premiere Pro वाले गुस्सा मत होना, Premiere Pro में भी बन सकता है। तो start करते हैं। तो तुम्हें effect बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तुम्हें एक फोटो चाहिए जिसके ऊपर तुम लोग light कराओगे After Effects में। तो मैं ये वाला स्क्रीन चूज कर रहा हूँ जैसे मैंने वाले वीडियो में बनाया था, ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसकी मैं एक स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ। विंडोज और प्रिंट वाली बटन दबाओगे तो स्क्रीन शॉट आ जाता है। उसके बाद मैं इसको डायरेक्टली ले जाऊंगा आफ्टर इफेक्ट्स में। तो आफ्टर इफेक्ट में जाके न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है एक। तो जो लोग सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट चला रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे वैसे करते जाओगे तो बन जाएगा। तो सबसे पहले तुम लोग को यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लेना है वाली फोटो, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ जाके राइट क्लिक करोगे, इंपोर्ट में जाओगे और फाइल को सेलेक्ट करोगे तो फाइल आ जाएगी। तो मैंने अपनी यहाँ पे फाइल ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया हूँ, तो यहाँ पे आ गई है। अब इसको तुम लोग कुछ नहीं करना है, इसको ड्रैग करके ले जाना है और इस वाले आइकन के ऊपर रखना है। यहाँ जैसी रखोगे ये कंपोजिशन बन जाएगा। अब जब कंपोजिशन बन जाएगा उसके बाद कुछ नहीं करना है तुमको, यहाँ पे जाना है और तुम्हें एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्यूब वाला, क्यूब वाले के ऊपर बस क्लिक कर दो तो ये 3D बन जाएगा। अब ये तुम्हारा जो भी ऑब्जेक्ट है ये 3D बन गया है। अब बस अपने को इसके ऊपर वो ग्लाइड वाला एक्शन करना है, उसके बाद ये बन गया। इतना ईजी है। तो अब जैसे देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे अपनी फोटो आ गई है, कंपोजिशन भी बन गया है। तो अब अपने को क्या करना है, यहाँ एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा उसमें जाना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है और तुम लोग को ये सब चीज़ें दिखने लग जाएगी। अब अगर तुम लोगों ने प्रीमियर प्रो चलाया होगा तो तुम लोग को ये सभी चीज़ें पता होगी कि क्या क्या यूज़ होती है इसमें, एक्स्ट्रा क्या क्या है। एक्स रोटेशन, वाई रोटेशन और जेड रोटेशन, वो क्यों आया, क्योंकि अपन ने इसको 3D ऑब्जेक्ट बना दिया है। अगर प्रीमियर में करोगे तो 3D बेसिक करके इफेक्ट है, उसको जाके अगर तुम लोग ट्रैक करोगे तो ये सब चीज़ें उसमें भी आ जाएगी, लेकिन उसमें साथ में नहीं रहती, ऊपर नीचे रहती है, थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे करना पड़ता है। इसमें साथ में आ जाती है, इसलिए मैं आफ्टर इफेक्ट में करना इसको ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ कि ये 5 सेकंड का टाइम लाइन बना हुआ है। अगर तुम लोग को टाइम लाइन की सेटिंग चेंज कर रहा हो, अगर तुम लोग को लंबा इफेक्ट चाहिए होगा तो कंपोजिशन में जाके फिर से कंपोजिशन सेटिंग में जाओगे तो ये सब चीज़ें तुम लोग को मिल जाएगी। यहाँ से तुम लोग इसका टाइम सेट कर सकते हो, यहाँ 5 सेकंड सेट है। तो अब तुम लोग क्या करना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना कि ये जो कर्सर है वो अपना एकदम स्टार्टिंग पे हो। अब तुम लोग को पोजीशन, स्केल, ओरिएंटेशन, एक्स रोटेशन, वाई रोटेशन, जेड रोटेशन, इन सब का की फ्रेम चालू कर देना है। तो जो अपना पहला फ्रेम है वो अपन अपना स्क्रीन दिखा रहे हैं, और इसके बाद अपन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद अपन इसकी जितनी भी सेटिंग है वो सब चेंज कर देंगे, ठीक है। तो बस इसको स्लाइड करना पड़ता है और कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ, तुम लोग समझ जाओगे। तो मैं इसका स्केल थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, समझ लो मैं एक फोटो पे जूम कर रहा हूँ। तो हाउ टू मेक एन एपिक थंबनेल वाले वीडियो के ऊपर मैं इसको फोकस करूँगा। तो इसको तुम लोग ऐसे सेट करना है कि तुम्हारे वीडियो में जहाँ भी पहला पॉइंट हो उसके पास ये पहुँच जाए। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो तुम लोग को ऐसे ही इसको कर करके उसके पास पहुँचना है। और उसके बाद तुम लोग को एक्स वाई और जेड का ये सब चीज़ें चेंज करनी है। आप तुम लोग देख रहे होगे ये 3D बनते जा रहा है धीरे धीरे, तो इसको तुम लोग को ऐसी एंगल देना है धीरे धीरे। तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरे की फ्रेम बन गए। अब इसको अगर मैं एक बार प्ले करूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचा है। अब अपन यहाँ जब जा रहे हैं तो तुम लोग देखा होगा मेरा वो वाला जो फ्रेम है वो धीरे धीरे इसके ऊपर ग्लाइड करता है। तो इसको मैं यहाँ थोड़ा और आगे ले जाता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐसी की फ्रेमिंग करूँगा कि वो फोकस उसी के ऊपर रहेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा ग्लाइड करेगा। तुम लोग को सेटिंग इसकी ऐसी चेंज करना है कि वो ग्लाइड करते रहे वहाँ पर। तो बस मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ। एक्स वाई और जेड की बस अपने को चेंज करना है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूँगा, जेड को थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ और स्केल को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो अब देख लेते हैं ये कैसा दिख रहा है। तो ये थोड़ा थोड़ा ग्लाइड कर रहा है। अगर तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी चले जा रहा है तो तुम लोग इस की फ्रेम को सबको सेलेक्ट कर लेना, लेफ्ट क्लिक दबा के, और इसको आगे सरका देना। अगर आगे सरका दोगे तो थोड़ा और वहाँ पे रहेगा। अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट अपने को ऊपर लेके चलना है। अपन ऊपर किसी भी फोटो के ऊपर लेके चलते हैं, मतलब किसी भी थंबनेल के ऊपर लेके चलते हैं। तो बस आगे इसको बढ़ा देना है थोड़ा सा, और उसके बाद जाके वापस से की फ्रेमिंग चेंज करनी है। तो इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, माई फेवरेट क्रिएटर वाले वीडियो के ऊपर चलते हैं। चलो, तो अपने को वापस से एक्स रोटेशन, वाई रोटेशन और जेड रोटेशन को थोड़ा थोड़ा चेंज कर देना है। जूम को थोड़ा अपन पीछे खींच लेते हैं, और उसके बाद अपन देखते हैं ये कैसा दिख रहा है स्टार्टिंग से। अगर तुम्हारा ये ग्रीन और रेड वेड हो जाएगा तो इसको 2-3 बार चलने देना। आफ्टर इफेक्ट में रेंडर वाला कोई चीज़ नहीं होता है, तुम लोग को इसको बार बार चलाना पड़ेगा। ये रियल टाइम में रेंडरिंग करता है आफ्टर इफेक्ट, क्योंकि इफेक्ट वाला सॉफ्टवेयर है।
तो अब तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे पहुँच गया है। अब इसको अपने को फिर से ग्लाइड कराना है, तो यहाँ आगे ले गए थोड़ा सा और फिर से इसकी सेटिंग पे अपन थोड़ा खेल लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका स्केल थोड़ा बढ़ा देता हूँ और फिर से एक्स वाई और जेड रोटेशन को चेंज करूँगा मैं। बस तुम लोग को की फ्रेमिंग चेंज करते जाना है और तुम लोग का इफेक्ट बनते रहेगा, जितने बनाना उतने बना सकते हो, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से प्ले करके देखते हैं स्टार्टिंग से। तो एक ग्लाइड करके यहाँ तक पहुँच गया। अब अपन इसको एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में लेके चलते हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट में तो कुछ नहीं होगा, नीचे वाले एक्सट्रीम बॉटम पे लेके चलते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, इसकी पोजिशनिंग को मैं फिर से चेंज कर दे रहा हूँ। तो लोग देख सकते हो मैं एक्स एक्सिस को बहुत ऊपर नीचे कर रहा हूँ। तो यहाँ से अपने को जाना है एकदम आखिरी में, तो अपन पहुँच गए टाइप्स ऑफ लॉगिंग पे। अब इसकी भी मैं यहाँ पे स्केल थोड़ा पीछे कर दे रहा हूँ। हाउ टू कलर ग्रेड वाली वीडियो पे चलते हैं। उसके बाद मैं फिर से एक्स वाई और जेड वाले रोटेशन को चेंज कर रहा हूँ। और स्केल को मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा। अब स्केल बढ़ाने से ये देख रहे हो तुम लोग, ये जगह आगे पीछे हो जा रही है, तो फिर से तुम लोग को इसको पोजीशनिंग करना पड़ेगा, तो एक चीज़ का ध्यान रख लेना। तो अब मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है ये, तो एक बार मैं इसको फिर से प्ले करके देख लेता हूँ। तो ये अच्छा लग रहा है, वैसे बहुत तेज हो गया है और बहुत दूर भी हो गया है। इसका थोड़ा सा डिस्टेंस अपन आगे कर देते हैं ताकि वो एकदम ज़्यादा तेज ना लगे। तो एक बार इसको फिर से प्ले करके देखते हैं, अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ अपन इसको वापस ग्लाइड कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इसकी तो फिर से तुम लोग को क्या करना है, कर्सर को थोड़ा आगे लेके जाना है और इन चीज़ों को फिर से चेंज करना है। तो ये बहुत अच्छे लगने लग गया है। अब मैंने जो वीडियो दिखाया था उसमें मोशन ब्लर भी था, तो मोशन ब्लर डालने में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस एक क्लिक करना है। यहाँ पे तुम लोग देख रहे होंगे एक मोशन ब्लर टाइप वाला चीज़ दिख रहा होगा और उसके ऊपर लिख के भी आ जाता है मोशन ब्लर सिमुलेट शटर ड्यूरेशन। तो बस इसके ऊपर जाके जैसे 3D पे क्लिक किए थे, यहाँ भी क्लिक कर देना है। तुम्हारी टाइमलाइन से ग्रीन कलर पूरा गायब हो जाएगा क्योंकि यहाँ मोशन ब्लर ऐड हो गया, यहाँ दिख ही रहा होगा तुम लोग को। तो ये इस वाले मोशन ब्लर को तुम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हो। एक यहाँ पे CC मोशन ब्लर करके आता है, उसको डालोगे तो उसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि यही वाला यूज़ करो क्योंकि ईजी है। एक बार इसको फिर से प्ले करो, ये फिर से थोड़ा सा रेंडर होने में टाइम लगाएगा, लेकिन एक बार जब चलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं इसको प्ले कर देता हूँ, तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो इसमें भर भर के मोशन ब्लर आ गया है और ये ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है अब। तो अब तुम लोग देख सकते हो ये अच्छे से प्ले हो रहा है और इसके साथ मोशन ब्लर भी है। तो ऐसे ही तुम लोग कोई भी वीडियो बना सकते हो। तो अब तुम लोग देख सकते हो बहुत अच्छे से प्ले हो रहा है और सेम टू सेम वैसे दिख रहा है जैसे मैंने बनाया था। मैंने बस थोड़ा छोटा इफेक्ट बनाया, तुम लोग यहाँ पे और ज़्यादा की फ्रेमिंग कर सकते हो। उसमें मेरे को ज़्यादा वीडियो के बारे में बताना था इसलिए मैंने बार बार इधर उधर उसको लेके गया था, लेकिन यहाँ बस मैं तुम लोग को सिखा रहा हूँ करके मैंने 2 या 3 ही जगह लिया है वैसा। अब मैं तुम लोग को ये बोलूँगा कि इस प्रोजेक्ट को सेव करके रख लेना, तुम लोग को ये बार बार नहीं करना पड़ेगा। बस तुम लोग को क्या करना है, यहाँ पर कोई भी फोटो डालना है। मैं एक और फोटो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ तुम लोग को दिखाने के लिए। तो तुम लोग को इफेक्ट बार बार बनाना पड़े उसके लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक फोटो ला लेना और यहाँ पे इस वाले को सेलेक्ट कर लेना। तो उसके बाद तुम लोग क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट और स्लैश वाला ऑप्शन दबाना और ये फोटो रिप्लेस हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने दबाया ये फोटो रिप्लेस हो गई। अब तुम लोग इसको प्ले करोगे तो ये सेम उसी इफेक्ट के ऊपर प्ले होगा। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो रेंडर होने में टाइम लगा रहा है, लेकिन ये सेम टू सेम वैसे ही होगा। तुम लोग इसको अपने बहुत सारे फुटेज के ऊपर यूज़ कर सकते हो, तुम्हारे ये हमेशा के लिए बन गया है। बस ये याद रखना कि जो की फ्रेमिंग पहले की होगी वही हर जगह की फ्रेमिंग हो जाएगी, तो वो एक गलत हो जाएगा, लेकिन ये इफेक्ट जल्दी बन भी जाता है। तो मैं तुम लोग को ईजी हो सके इसलिए बता रहा हूँ, बाकी तुम लोग की मर्जी है। तो अब तुम लोग देख सकते हो ये अच्छे से प्ले हो रहा है, वही सेम फ्रेमिंग है, बस वही है खाली खाली है, इसमें जहाँ पे है वहाँ पे नहीं है। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, कंपोजिशन में जाओ। कंपोजिशन में जाने के बाद ऐड टू रेंडर क्यू में जाना, ये सबको बेस्ट सेटिंग और लॉसलेस ही रहने देना और जाके बस रेंडर दबाना है तुमको। तो जैसे ही रेंडर दबाओगे ये रेंडर होना चालू हो जाएगा। तो अब अपन क्या करने वाले, अपन उसको प्रीमियर में खोलेंगे उसी फाइल को। तो मैंने वो सेम फाइल यहाँ पे लेके आ गई है प्रीमियर प्रो में। तो बस अपने को इसको प्ले करना है, मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ सेम ही प्ले हो रहा है। अब अपने को क्या करना है, इसको उठा के डायरेक्ट इसके ऊपर ला लेना है टाइमलाइन के ऊपर। जहाँ पे भी अपने फास्ट ट्रांजिशन है वहाँ पे अपने को वूश इफेक्ट लगाना है। तो मैं अपना वूश इफेक्ट लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। तो जैसा तुम लोग देख सकते हो मैंने एक वूश इफेक्ट यहाँ पे ला लिया हूँ। अब मेरे को इसको वहाँ पे लगाना है जहाँ पे फास्ट ट्रांजिशन हुआ है।
अब सेम वूश इफेक्ट तुम लोग को नहीं लगाना है, तुम लोग को अलग अलग टाइप के वूश इफेक्ट लगाना है ताकि अलग अलग आवाज आए। सेम आवाज आएगी तो लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा। मैं तुम लोग को बस सिखाने के लिए यहाँ पे सेम लगा दिया हूँ ताकि तुम लोग समझ जाओ कि कैसे यूज करते हैं। तो उसके बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। मैं सेम लगाया हूँ इसलिए अजीब लग रहा है, तुम लोग अलग अलग लगा देना, उससे अच्छा लगता है। तो मैं भी इफेक्ट को ऐसे ही बनाता हूँ। बहुत ज़्यादा इजी इफेक्ट है लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। बहुत बड़े बड़े चैनल इस टाइप के इफेक्ट को यूज़ करते हैं, मैंने देखा है। तो आई होप तुम लोग को ये पसंद आया होगा। तो अब इस इफेक्ट को तुम लोग कहीं पे भी लगा सकते हो, बहुत अच्छा दिखता है। अगर जहाँ पे भी तुम लोग को अपना स्क्रीन शेयर करना होगा, अगर उसको एक अच्छे वे पे दिखाना होगा, तो तुम लोग उसको 3D टाइप में ऐसे करके दिखा सकते हो। तो आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना डिस्कॉर्ड ग्रुप भी आ गया है, तो डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को लिंक मिल जाएगा, पहला लिंक उसी का होगा। कमेंट कर देना तुम्हारे क्या व्यू है, और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, खत्म करते हैं, बाय।